नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंडसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रति कटिबद्ध है, और इसी क्रम में मैं आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित की क्लास लेकर के। साथियों, भी जैसे आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले परीक्षा हो रही थी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, वहाँ पर एक लड़की आके हमसे मिली। उसने कहा कि सर, आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप बीएड को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और मैं बीएड आपसे पढ़ी भी हूँ, और अब सर मैं डीएलएड कर रही हूँ, मैं परीक्षा देने आई हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग को कोई एक विषय ज़रूर पढ़ाइए, जैसे गणित हुआ या विज्ञान हुआ या संस्कृत हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे, और उसी प्रयास का आज प्रतिफल है कि मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ यहाँ पे। और यह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का सिलेबस लिखा हुआ है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग के मन में ऐसा हो रहा होगा कि जब डीएलएड में हमें पेपर मिल जा रहा है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको पेपर पहले ही मिल जा रहा है, सुनने में ऐसा आता है, तो अगर आप उन छात्रों को देखेंगे तो अपने अंदर निराशा का भाव लाएंगे। तो निराशा भाव नहीं लाना है, क्यों? क्योंकि आज वो नकल करके अगर वो पेपर मान लीजिए कहीं से पा भी जा रहे हैं, या कुछ जुगाड़ करके आप सिस्टम ला करके आप पास हो भी जा रहे हैं, तो कल जब आपको पढ़ाना होगा, जब शिक्षक आप बनेंगे, तो किस तरह से समझा पाएंगे? जैसे एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा छात्र होना भी जरूरी है। इसीलिए एक अच्छा छात्र वही है जो अपने अध्ययन अध्यापन को लगातार जारी रखता है और कई सारे पड़ावों को पार करते हुए तब जाकर शिक्षक बनता है। और जो जुगाड़ व्यवस्था से शिक्षक बनेगा वह पढ़ा नहीं पाएगा। मान लीजिए आप शिक्षक बन भी जाते हैं तो किसी भी छात्र की समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी छात्र को आप अपने संवाद के माध्यम से, अपने कला कौशल के माध्यम से प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। जैसे कि मैं इसी पर आपको एक कहानी बता दूं। एक हमारा मित्र है, वह केंद्रीय विद्यालय में इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उड़ीसा में। उन्होंने कभी क्लास नहीं किया बीएड में। मैं बीएड में क्लास कर रहा था, सारा उनका जो भी चीज़ होता था, प्रैक्टिकल फाइल जो भी है वो सब हम उनका काम करवा देते थे। उन्होंने सिर्फ डिग्री ले लिया। अब जब गए वह पढ़ाने के लिए केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, कल आप लेसन प्लान बना करके आइए। अब उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि यार लेसन प्लान क्या होता है यार, परीक्षा में लिख तो दिए लेसन प्लान बनने की, बनता कैसे है? हम कह रहे यार जो बनाए थे ये बीएड थर्ड सेमेस्टर में वही लेसन प्लान है। उनका बनाए तो रट के गए थे, अब वो खो गया है, कैसे बनेगा? तो यही चीज़ें हैं कि किस तरह से आपने पढ़ाई किया है यह भी मायने रखता है। तो खैर, आइए हम बात करेंगे आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के सिलेबस के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह 13 बिंदु हैं। 13 बिंदु का मतलब है कि 13 पाठ हैं, ठीक है। इन 13 पाठ पे हमको पढ़ाई पूरी करनी है। ये पूरा हमारा सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें सबसे पहला 3 अंकों की संख्याओं का लस एवं मस। 3 अंक की संख्या का लस और मस के साथ क्या तात्पर्य है? 3 अंक की संख्या के लस और मस से मतलब ये है कि जैसे 563, 240 यह लिख दिया है, कह रहा है कि इसका आप लस निकालिए, ठीक है। अच्छा, लस और मस में भी विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि है, ठीक है, भाग विधि है, अपवर्तक और अपवर्त विधि है। तो इन सभी विधियों का हमें अध्ययन करना है 3 अंक की संख्याओं का लस एवं मस के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आगे है बीजी व्यंजकों की गणितीय संक्रिया एवं कोष्ठकों का सरलीकरण। बीजी व्यंजक किसके तत्पर है? बीजी व्यंजक मतलब जैसे यह 5A, 3A, अब इनके बीच क्या है? इनके बीच गणितीय संक्रिया है। देखिए, गणितीय संक्रिया शब्द जहाँ भी आएगा, यह गणितीय संक्रिया नामक शब्द, वहाँ आप समझ जाइए कि जोड़ घटाव गुणा एवं भाग की बात चल रही है, ठीक है। गणितीय संक्रिया से मतलब यही होता है, यानी कि इनके बीच जोड़ पढ़ेंगे हम, ठीक है, गुणा पढ़ेंगे हम, भाग पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे। इसके बाद कोष्ठकों का सरलीकरण। कोष्ठक यानी सबसे बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और रेखा कोष्ठक, इनका सरलीकरण कैसे करते हैं बाडुमास के नियम से, इसका हमें अध्ययन करना है। अब आएंगे पाठ 3 में, आपको प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, इसका आपको बाकायदे अध्ययन करना है, ठीक है। अब आएंगे हम आगे पाठ 4 में। अब पाठ 4 क्या है? पाठ 4 में देखेंगे पूर्ण संख्या पर गणितीय संक्रियाओं के प्रगुण। अब ध्यान देंगे गणितीय संक्रिया, फिर यहाँ शब्द आ गया है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात की गई है। इनके प्रगुण क्या है? प्रगुण का मतलब क्या है? प्रगुण का मतलब है इनके नियम, इन पर आधारित नियम क्या है। जैसे योग का क्रम विन्मय का प्रगुण, तो योग का क्रम विन्मय का जो प्रगुण यानी कि नियम है, वह कहता है कि किसी भी कोई भी अगर 2 पूर्णांक संख्याएं हैं,
अगर उनका क्रम बदल करके भी उनको जोड़ा जाए, ठीक है, तो भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी इनका मान बराबर सदैव रहता है। इसी तरह से आपको योग का तस्मक अवयव है और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे गुणा का है, साचर नियम, ये सभी आपको पढ़ना होगा। तो जोग, घटाना, गुणा और भाग का जो भी प्रगुण है, जो भी नियम है, वह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे है पूर्णांक तथा परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएँ, इनके प्रतिलोम व तस्मक। अब ध्यान देंगे, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएँ। परिमेय संख्या मतलब जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम सरल भाषा में कहते हैं भिन्न, ठीक है। इन पर आधारित गणितीय संख्याएँ, यानी भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ये हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ इनके प्रतिलोम, इनका प्रतिलोम मतलब इनका उल्टा क्या होता है, और तत्समक, तत्समक मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे समीकरण व सर्वसमिका का अर्थ। समीकरण का मतलब क्या है, समीकरण का मतलब है जैसे कि आपका लिख गया है से ए प्लस फाइव बी प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से है लिख गया है, तो यह समझिए क्या है, यह आपका समझिए कि समीकरण है, ठीक है। या इस तरह से कर लीजिए, यह भी आपका क्या है, यह भी एक समीकरण है, ठीक। तो इन समीकरण मतलब गुणनखंड आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, सर्वसमिका का अर्थ। सर्वसमिका मतलब क्या है, सर्वसमिका से तात्पर्य है जैसे क्या कहते हैं कि हाँ 5a प्लस 7b इसका होल स्क्वायर, यह क्या है, यह सर्वसमिका है। तो इसका हल कैसे होगा, यह आपको पढ़ना है। इसके बाद है रेखीय समीकरण का हल। रेखीय समीकरण का हल से क्या तात्पर्य है, बोले रेखीय समीकरण कैसे बनता है। जैसे एक सवाल दे दिया कि राम की आयु अपने पिता की आयु की क्या है, 1/4 है। यदि उसके पिता की उम्र 10 साल है, 10 साल 40 साल है, तो उसकी उम्र कितनी होगी। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम रेखीय समीकरण को बनाते हैं, ठीक है। आगे है व्यंजकों का गुणनखंड, व्यंजकों का गुणनफल व सर्वसमिकाएँ। ध्यान देंगे व्यंजकों का गुणनफल, यानी कि जो बीजी व्यंजक हैं उनका गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह किस तरह से होता है, कैसे हम बीजी व्यंजकों का गुणा करते हैं। बीजी व्यंजकों का गुणा का मतलब क्या है, कैसे यह 7ab × 5ab, इस तरह के बीजी व्यंजकों का गुणा है वह सर्वसमिकाएँ। सर्वसमिकाएँ जैसे हमने कहा यह है, यह क्या है, यह आपका सर्वसमिका ही है, या लिखा ना समीकरण व सर्वसमिका, यानी सर्वसमिका यही यहाँ भी आ रहा है, यानी यह सर्वसमिका के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरह से हम व्यंजकों को गुणनखंड करके सर्वसमिका लाते हैं। जैसे इस तरह मान जिसको आप हल करेंगे, मान आ गया 7a + 3, यहाँ पे आ गया 5a + 4, तो यह क्या है, यह सर्वसमिका है। तो इसी को आपको व्यंजकों का गुणनखंड यानी कि बीजी जो समीकरण है उनका आप गुणनखंड करना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, इनका हमें अध्ययन करना है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका है, 10वां चैप्टर है त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इन तीनों के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन एवं आयत चित्रण प्रदर्शन। देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का अगर प्रदर्शन की बात करें तो आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने, अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, दंड आरेख के द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा DLED फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। आगे देखेंगे हम, देखिए आगे कह रहा है सर्वसमता व समरूपता। देखिए सर्वांग समता, सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता का मतलब है कि जब दो आकृतियाँ एक तरह की होती हैं, उनके माप भी एक तरह के होते हैं, तो उन्हें सर्वांग समता कहते हैं, ठीक है। यानी माप और आकृति एक तरह की होनी चाहिए, कोई भी दो आकृतियाँ ऐसी हों जिनका माप और आकार एक जैसा हो, उसको हम बोलते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है वह इस तरह का होता है, ठीक है। आगे है समरूपता। समरूपता का मतलब है कि समान रूप हो, यानी आकार में समान हो लेकिन माप अलग अलग हो। जैसे यह त्रिभुज है, यह 5, यह 5, यह 6 हो गया सेंटीमीटर, और यह त्रिभुज है, यह 7, यह 7, यह 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो क्या आकार में तो समान है लेकिन माप क्या है, माप हमारी अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे हम समरूपता। समरूपता का जो चिन्ह होता है वह इस तरह से होता है, ठीक है। और यह आपका सर्वांग समता का चिन्ह है। आगे है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की क्या शर्तें हैं। देखिए कह रहा है सर्वांग समता की शर्तें, इसका मतलब क्या है, सर्वांग समता
इस तरह से, ठीक है। इसके कह रहा है कि जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज के प्रकार हैं इनमें क्या शर्त होती है सर्वांग समता की, इसको आपको पढ़ना है। तो यह आपके 13 बिंदुओं को आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और 13 × 26 मांग सकते हैं कि 30 या 35 क्लास आपकी होगी, जिसमें आपका ये पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का सिलेबस समझ में आया होगा कि आपको इस पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। क्लासेस आपकी कल से उपलब्ध हो जाएंगी, 3 अंकों की संख्याओं का लस एवं मस के साथ। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्याओं में लस निकालने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं इसको पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें मस निकालने की कौन सी 3 विधियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम फिर कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक, कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद फिर हम पार्ट 2 में आएंगे। तो इसी तरह से हमारा यह अध्ययन अध्यापन कार्य चलता रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्लास को अपने अन डीएलएड के साथियों में शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। और जब व्यू नहीं आएंगे तो फिर हमारा भी मन टूट जाएगा कि हम बीएड को पढ़ा रहे थे तो हम ठीक कर रहे थे, हमने डीएलएड को पढ़ा करके लग रहा कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे हम आपके लिए लगे हुए हैं आप भी हमारा सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ मैं तेजस्वी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं।